23 साल की जब घटना हुई थी तब थी वो, ले कितने समय खुशियों का आया होगा, लेकिन हमें उनकी खुशियाँ बहुत कम याद आती है। हमें हमेशा दिमाग में जो उनको तकलीफ़ मिली वो याद रहता है। वो दिन कभी नहीं भूलता है, खासकर इन दिनों में बहुत मुझे दिक्कत होती है। सारी चीज़ें जैसे लग रही है, लगती है कि अभी की है, इसी महीने की है। ये दुख हमेशा रहता है कि वो 10 दिन जिंदा तो रही लेकिन बची एक बूंद पानी के लिए तरस गई, तो ये मुझे कभी नहीं भूलता है। आज भी मुझे उस वो दिन याद आता है, वो रात याद आती है कि बस चंद घंटों में हमारे साथ ऐसा घटना हो गया कि हम हमेशा के लिए अपने बच्चे से अलग हो गए। बस हमेशा यही याद रहता है कि बस यही कह के गई कि मैं मम्मी 2-3 घंटे में आ रही हूँ। यही शब्द हमेशा कानों में रहता है और आँखों में रहता है कि मैंने जैसे रहता है कि हमें इंतज़ार है उस वापिस आने का। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हमें हमेशा यही चीज़ रहता है कि वो जिंदा तो थी लेकिन एक बूंद पानी नहीं दे पाए हो, तो ये हमेशा याद रहता, कभी नहीं भूलता है। शायद जब तक जिंदा रहेंगे कभी नहीं भूलेगा। फैसला सुनाया है जिस तरह से उस टाइम कहा गया था, कानून बन गया था, लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, अब कभी ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हर रोज ऐसे ही होता है, अब तो और बुरा हालत हो गया है, खासकर दिल्ली में। हर रोज 2 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों को के साथ ऐसा हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। अभी मैंने भी पढ़ा था उस बच्ची का, सारी आंतें वो सब डैमेज हो गई है। तो ये ऐसे लोगों को, मानसिकता को अगर हमारा सिस्टम नहीं समझेगा, हमारा समाज, हमारी सरकारें नहीं समझेगी, तो हम कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि उनको पता है आखिर हमें कुछ नहीं होना है, विक्टिम को ही गलती ठहराया जाता है। उनको अगर एक बच्ची मर गई तो उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। अगर उनकी सजा की बात आती है तो सारे अधिकार, मानव अधिकार हो जाते हैं, उनके अपने अधिकार हो जाते हैं। उनको बचने के लिए 1000 ऑप्शन हैं, लेकिन एक इंसाफ के लिए अगर एक महिला खड़ी है, एक माँ बाप खड़ा है, तो उसको पता नहीं कब तक इंसाफ मिलेगा, कोई सीमा नहीं। उसने क्राइम तो बड़ों जैसा किया और महज 2-4 महीने के लिए वो छोड़ दिया गया। तो हमारा तो ये कहना है कि हमें उम्र को नहीं देखना चाहिए कि वो 18 साल का है कि 16 साल का है, क्राइम देखना चाहिए कि उसने किया क्या है, और उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो छूट गया, उसका नाम पता नहीं है, उसकी पहचान पता नहीं है, क्या पता हमारे बगल में है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमें क्या मिला? हम तो 3 साल तब संघर्ष किए, तब वो छूट गया, अब संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद है कि नहीं उनको सजा होगी, फांसी होगी, लेकिन कब होगी हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज भी देखिए कई केसों में जुगनाइल हैं, तो वो 16 साल के हैं, चाहे 2-4 दिन कम है, 2-4 महीने कम है, तो छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 5 साल के बच्चे के साथ अगर गलत हो जाता है, अब वो जुगनाइल होकर छूट जाता है कि ये जुगनाइल है, लेकिन उस 5 साल की बच्ची का क्या? वो क्या अपने साथ होने वाले अपराध को, जख्म को कभी भूल पाएगी?
तो इस कहने का तो एक ये छोटा सा शब्द है कि नहीं उस महिला के साथ उस बच्चे के साथ रेप हो गया, लेकिन इसके पीछे का रीजन हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को समझना चाहिए और पड़ेगा समझना, क्योंकि एक बच्ची के साथ एक बार गलत हो गया, एक बार नहीं होता है, उसके साथ बार बार वही चीज़ दोहराई जाती है घर में, बाहर, कोर्ट में। तो इस चीज़ को समाज को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ देखने के बाद सब कुछ चल रहा है, सारे पॉलिसी चल रही है, अभियान चल रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि नहीं, हमारे सरकार के खाते में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वाकई में कहा ये बेटी बच रही है? हमें तो लगता है कि आज भी हम 5 साल पहले 2012 में ही खड़े हैं, क्योंकि आज भी केस होता है तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बयान देता है, घूम फिर के उस बच्ची पे ही दोष आ जाता है। जैसे आपने चंडीगढ़ का बात किया, मैंने भी उस न्यूज़ में पढ़ा था, लेकिन उस बच्ची को तो कह दिया गया कि उस टाइम वो क्यों गई थी, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन बच्चों से कोई क्यों नहीं पूछा कि आखिर उस टाइम वो क्यों गए, क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या उनका अधिकार है कि नहीं उस रास्ते उस टाइम पे वो जा सकते हैं? एक बच्ची का अधिकार नहीं है? हो सकता है उसको भी कोई काम है, वो भी कहीं से आ रही होगी, कुछ काम होगा, उसको भी तो कोई काम हो सकता है। जब तक हमारे प्रतिनिधियों के सोच नहीं बदलेगी तब तक तो और कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब भी केस होता है तब भी घूम फिर के दोष लड़की को ही मढ़ा जाता है, उन मुजरिमों से नहीं पूछा जाता है, उनके घर वालों से नहीं पूछा जाता है कि आखिर जो बचाने आते हैं आखिर वो क्यों ऐसा किया, किसने अधिकार दिया। कहीं ना कहीं इन सब वो चीज़ों को छुपा के घर में बैठ के चुप रह के ये हम बढ़ावा दिया गया है, बढ़ता गया, तो अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जैसे बच्चियाँ अब रिपोर्ट करने लगी हैं और उनको सजा मिलने लग जाए तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती है। कई कॉलेजों में जाती हूँ तो देखती हूँ कि नहीं, बच्चों ने इस चीज़ पे प्रोग्राम रखते हैं, उस चर्चा रखते हैं, तो देख के एक उम्मीद सी होती है कि अगर बच्चों में ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, लड़के हैं लड़कियां हैं दोनों मिलके इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो एक उम्मीद जगती है कि नहीं हाँ आगे चल के शायद माहौल अच्छा हो और बच्चे इस चीज़ को समझने लगे हैं, लड़कियाँ भी समझने लगी हैं,